नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान गुरुवार की सुबह बेटे आनंद से मिलने मुंबई की ऑर्थर जेल पहुंचे। क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन ऑर्थर जेल में बंद है। शाहरुख सुबह करीब 9:15 पर ऑर्थर जेल पहुंचे। इस दौरान शाहरुख खान विजिटर लाइन से होते हुए अंदर गए। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान अपने बेटे से जब अंदर मिले तो करीब 15 मिनट तक ही उनकी आपस में बातचीत हो पाई। ड्रग्स मामले में आर्यन का नाम आने के बाद से पहली बार शाहरुख खान अपने घर से बाहर देखे गए हैं। ऐसे में शाहरुख जेल में बंद आर्यन से मिलने पहुंचे। बताते चले कि अभी तक शाहरुख अपने बेटे से वक्त वक्त पर वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते रहते हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनके घर मन्नत भी पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि एनसीबी की टीम शाहरुख खान के घर किसी तरह की जांच के लिए नहीं पहुंची थी, बल्कि पेपर वर्क को पूरा करने के लिए गई थी। शाहरुख के घर के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक दूसरी टीम बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनन्या पांडे के घर भी पहुंची, साथ ही वहां छापा भी मारा। छापे के दौरान अनन्या अपने घर पर मौजूद नहीं थी। एनसीबी ने पूछताछ के लिए अनन्या को 2 बजे पेश होने का समन भी दिया था। एनसीबी अधिकारी का कहना है कि आर्यन की चैटलिस्ट में अनन्या का नाम भी शामिल है और दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत भी हुई है। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन की जमानत याचिका निरस्त हो गई है। 20 अक्टूबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आर्यन को जमानत न मिलने पर सोशल मीडिया पर एक तरीके की जंग छिड़ गई है। स्वरा भास्कर ने भी एक टिप्पणी की। स्वरा भास्कर ने आर्यन के केस को लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, कानून का पूरी तरह से त्याग उन लोगों द्वारा जिन पर कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी है। स्वरा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, अर्बन नक्सल अपना असली रूप तब दिखाते हैं जब कानून उनके फेवर में नहीं होता है, मन चाहा फैसला नहीं देता है। नहीं तो मैं कानून पर पूरा भरोसा रखती हूं, बाबा साहेब के बनाए संविधान पर विश्वास रखती हूं का जाप करते हैं। वो भी नौटंकी है और ये भी नौटंकी है। टीवी के सबसे मशहूर और सबसे लंबे समय तक चलने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल शो में नायरा और सीरत की बेटियां अक्षरा और आरोही बड़ी हो गई हैं, जहां अक्षरा का किरदार टीवी की मशहूर एक्ट्रेस प्रणाली राठौर निभाती नजर आएंगी, तो वहीं आरोही का किरदार एक्ट्रेस करिश्मा सावंत अदा करती हुई दिखेंगी। शो से जुड़ा प्रोमो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नए प्रोमो में नजर आया कि अक्षरा और आरोही में जमीन आसमान का अंतर होगा। जहां एक बहन बिल्कुल सीधी साधी सी होगी, तो वहीं दूसरी बहन तेज तर्रार निकलेगी। शो में आए इस नए मोड़ के लिए इसके पुराने कलाकारों को कार्यक्रम को अलविदा कहना पड़ा, जहां कार्तिक का किरदार निभाने वाले मोहसिन खान ने शो को पहले ही छोड़ दिया था, तो वहीं अब नायरा और सीरत का रोल अदा करने वाली शिवांगी जोशी ने भी ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर पिता बोनी कपूर के साथ उत्तर भारत के पहाड़ों में छुट्टियां बिताकर मुंबई पहुंची। जहां जाह्नवी कपूर ब्लैक एंड ब्लू आउटफिट में नजर आई, तो वहीं बोनी व्हाइट कुर्ता पैजामा पहने दिखाई दिए। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ने पैपराजी के कहने पर पोज भी दिया, लेकिन इसी बीच बोनी कपूर ने फोटोग्राफर्स के कहने पर मास्क उतार दिया, जिसे लेकर एक्ट्रेस काफी भड़क गई। उन्होंने इस बात पर फोटोग्राफर्स को तो खरी खोटी सुनाई ही, साथ ही अपने पिता को भी डांट लगा दी। जाह्नवी कपूर का इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया है। उन्होंने फोटोग्राफर्स को डांटते हुए कहा, ऐसी गलत सलाह मत दीजिए। एक्ट्रेस के इस वीडियो पर अब सोशल मीडिया यूजर भी खूब कमेंट कर रहे हैं। बता दें कि जाह्नवी अपने पिता और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मसूरी गई थी। उन्होंने अपने सफर से जुड़े कई सारे वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर साझा किए थे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अजय देवगन ने अपने करियर में न केवल एक्शन और हीरो का किरदार अदा किया है, बल्कि कॉमिक एक्टर भी बखूबी अदा किया है। खासतौर से गोलमाल सीरीज में अजय देवगन के किरदार देखने लायक होते थे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है कि अजय देवगन की गोलमाल अगेन को देखकर उनके बेटे युग देवगन ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था।
इस बात का खुलासा खुद एक्टर ने बॉलीवुड हंगामा को दिए अपने एक इंटरव्यू में किया था। एक्टर ने बताया कि फिल्म में परिणीति चोपड़ा की मौत को देखकर उनका बेटा रोने लगा था। यूके रिएक्शंस के बारे में बताते हुए अजय देवगन ने कहा, परी की मौत पर उसके आंसू बहने लगे थे, वो मेरी गोद में बैठा हुआ था और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। इस पर उसने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे रोता हुआ मत देखो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।